अस्सलाम वालेकुम क्लास एट। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 शेयर करने लगी हूँ। ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी, इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर कुछ कॉमन है दोनों वैल्यू में तो कॉमन ले लेते हैं। एक में पहली वैल्यू है ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी, यानी कि ए स्क्वायर एंड बी दोनों में है, इसमें सिर्फ b की वैल्यू 3 है, b का क्यूब है, तो हम ये वाली वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर बी मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन में आ गया और एक b भी, तो b की पावर 3 है, तो एक अगर उसमें से माइनस कर लें तो b स्क्वायर बच जाएगा जो यहाँ पे मैंने लिखा। अब ए स्क्वायर बी ये तो सारा हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, ए स्क्वायर बी, बाकी क्या बच गया 64, बी स्क्वायर माइनस 64, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। पहले हम इन दोनों वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लेके आएंगे। बी स्क्वायर है तो इसको होल का स्क्वायर बना दिया, और 64 8 का स्क्वायर होता है, अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ता है जो कि इक्वल होता है 64 के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है। अब इस फॉर्म में लेके आना है, एक मरतबा प्लस में लिखना है, एक मरतबा माइनस में लिखना है। ए स्क्वायर बी ये तो एज इट इज ही रहेगा, और बी प्लस 8 एक मरतबा लिखेंगे प्लस में और एक मरतबा लिखेंगे माइनस में। ए हमारे पास ये बी का स्क्वायर है और बी वाली वैल्यू जो है वो 8 है, तो बी माइनस 8। ये क्वेश्चन नंबर 6 के फैक्टर बन गए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।